Assalamualaikum, welcome back to my channel Taste Ka Tara. आज हम बना रहे हैं शीर कोरमा. ये traditional sweet dish बनाने के लिए आपको इन सारे ingredients की ज़रूरत होगी. Half cup vermicelli या सेविया, 1/3 cup sugar, खजूर chop, थोड़ा सा saffron rose water में soak किया हुआ, mixed nuts जिसमें है पिस्ता, almond, चिरौंजी और चार मगज. ब्लांच नट्स को चॉप करके हमने घी में फ्राई कर लिया है. हाफ कप नॉर्मल मिल्क, 4 कप्स मिल्क लेकर हम अच्छे से उसको रिड्यूस कर चुके हैं. अब ये 2 कप्स हो चुका है. एक पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा घी और वर्मिसली को अच्छे से घी में रोस्ट कर लेंगे. देखिए वर्मिसली अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है. अब ऐड करते हैं नॉर्मल वाला मिल्क और थोड़ी देर पका लेते हैं. अब ऐड करते हैं शुगर. शुगर को अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद हम ऐड करेंगे रिड्यूस्ड वाला मिल्क. मिल्क ऐड करने के बाद 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे. मिल्क और वर्मिसली अच्छे से पक चुके हैं. अब ऐड करते हैं डेट्स और नट्स. हम हाफ नट्स अभी ऐड करेंगे और हाफ सेव करेंगे गार्निशिंग के लिए. अब 2 मिनट्स पका लेंगे. देखिए शीर कोरमा तैयार है. अब करते हैं गैस को बंद और ऐड करते हैं रोज वाटर और ज़ाफ़रान. देखिए हम शीर कोरमा डिश आउट कर चुके हैं. अब गार्निश करते हैं नट्स के साथ. देखिए हमारा शीर कोरमा रेडी है. एंजॉय करिए. ईद मुबारक टू यू ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.